को बुनियादी ज्ञान से शिक्षित करने के लिए संचालित राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्र खुद बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सूबे में सभी आंगनबाड़ी भवनों के विकास के लिए किराया तो बढ़ाया गया, लेकिन आज तक ये आदेश सिर्फ फाइलों में है, लागू नहीं हुआ। बच्चों को बुनियादी ज्ञान के जरिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं, लेकिन बुनियादी ज्ञान से बच्चों को शिक्षित करने के दावे कितने खोखले नजर आते हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर का आंगनबाड़ी केंद्र है ये, जिस जयपुर में बैठकर सरकार नीति बनाती है, प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठकर उस नीति को लागू करते हैं। उसी जयपुर में देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र 4 से 5 फीट के कमरे में चलाया जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेलना तो दूर की बात, बैठना तक मुहाल है। तर्क ये कि आंगनबाड़ी भवनों का मिलने वाला किराया बड़ा कम होता है और इसी वजह से छोटी जगहों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाना उनकी मजबूरी है। किराया तो बढ़ावा है 3,000, लेकिन हमारी शर्तें ऐसी हैं जो हम मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। और छोटे से कमरे में हम 20 बच्चों को कहाँ बिठाएं? हमारे पास ना तो बच्चों को खेलने की व्यवस्था है, ना टीकाकरण के लिए कोई व्यवस्था है, ना पंखा है। बच्चों की माएं आती हैं तो कहती है पंखा लगाओ, तो हम 750 रुपये में हम बिल कैसे दें? तो पंखा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इसमें, ना कोई बच्चे खेल कूद नहीं पाते, बस ऐसे बिछम बिछम में बैठे रहते हैं। खाना भी कैसे ढंग से नहीं खा पाते बच्चे, गंदगी होती है तो बहुत ऐसे परेशान होते हैं बच्चे। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शहर में 4,000 रुपए और गांव में 1,000 रुपए किराया निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिकतम 750 रुपए और गांव में केवल 200 रुपए मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए 200 रुपए में कमरा कैसे मिल पाएगा, जबकि किराया बढ़ाने के आदेश तो 1 साल पहले ही जारी हो गए थे, लेकिन अब तक ये आदेश सरकारी कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाए। राजस्थान में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तो खोले गए, लेकिन इनकी दुर्दशा साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई देती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां पर एक छोटा सा कमरा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सुविधाएं नहीं है। आप देखिए, पंखा यहां पर नहीं है, लाइट यहां पर उपलब्ध नहीं है, और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि 750 रुपए, महज 750 रुपए इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलते हैं किराए के। सरकार ने किराया तय करने के लिए कमेटी बनाई, शहरों में एडीएम इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। आईसीडीएस विभाग ने ये कमेटी तो बना दी, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया ही नहीं बढ़ा। इस पूरे मामले पर मंत्री ममता भूपेश कहती हैं, केंद्रों की स्थितियों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से रेंट पॉलिसी तय होती है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस बात को लिख के भेजा है कि किराए की जो दर है वो बढ़ाई जाए। जैसे ही हमें केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी, हम यहाँ पे रेंट जो हमारा रेशियो है उसको बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।